आईपीएल का 31वां मैच राजस्थान और केकेआर के बीच खेला गया। इस मैच में राजस्थान की टीम टॉस जीतकर केकेआर को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया। केकेआर के लिए फिन साल्ट और सुनील नारायण ने पारी की शुरुआत करी। फिन साल्ट जल्दी आउट हो गए, लेकिन सुनील नारायण ने इस मैच में कमाल की बैटिंग की। सुनील नारायण ने 56 गेंदों में 109 रन की पारी खेली और नारायण का यह क्रिकेट करियर में पहला शतक था। नारायण के अलावा केकेआर की ओर से सिर्फ रघुवंशी ने 18 बॉलों में 30 रन की पारी खेली और नारायण के दम पर ही केकेआर की टीम 20 ओवर में 223 रन बना सकी। आगे के मैच के बारे में बात करूं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। राजस्थान की ओर से 224 रन के लक्ष्य की अपेक्षा करने के लिए जयसवाल और बटलर ने पारी की शुरुआत करी। बटलर ने इस मैच में बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया। बटलर ने 60 गेंदों में 107 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। बटलर ने आखिरी दम तक अपना प्रयास किया, जिसके चलते राजस्थान की टीम ने यह मैच 2 विकेट से नाम कर लिया। बटलर की इसी पारी के चलते बटलर को इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। बटलर के साथ साथ राजस्थान के लिए रियान प्राग ने भी 14 गेंदों में 34 रन की पारी खेली। इसके साथ ही रोमेन पावेल ने भी इस मैच में अपनी भूमिका निभाई। पावेल ने 13 बॉलों में 26 रन की पारी खेली, जिसमें 3 छक्के शामिल थे। तो इन सब के चलते राजस्थान की टीम ने यह मैच 2 विकेट से अपना नाम कर लिया। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को शेयर जरूर कर दें।